एक समय की बात है, मल्हानपुर नाम के गांव में पीहू अपनी माँ पार्वती के साथ रहा करती थी। पीहू के पिता के कई वर्षों पहले गुजर जाने के कारण उसकी माँ ने ही घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। पीहू की माँ पार्वती लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी से अपने घर का खर्चा चलाती थी। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं था, परंतु उनके पास जो था वो उसी में खुश रह लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब पीहू स्कूल जा रही होती है तो पार्वती पीहू को देखती है और वो उसे थोड़ी डरी हुई दिखाई देती है। इसलिए पार्वती उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हो गया बेटा, तू इतनी डरी और घबराई हुई सी क्यों लग रही है, सब ठीक तो है ना? माँ, आप तो जानती हैं घर में इतनी तंगी चल रही है और ऊपर से आपकी मालकिन ने आपकी तनख्वाह भी घटा दी है। वो सब तो ठीक है, पर बात क्या है? माँ, कल मेरी प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर 3 महीने की बकाया फीस जमा नहीं की तो वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे। माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है, लेकिन अभी जैसे हालात हैं मुझे नहीं लगता कि अब मैं स्कूल जा पाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। और वैसे भी मेरी मालकिन ने अभी तक मुझे मेरी पिछले 2 महीनों की तनख्वाह नहीं दी है। वो मुझे जैसे ही तनख्वाह दे देंगी मैं वैसे ही तेरी स्कूल की फीस भर दूंगी, बल्कि मैं आज ही अपनी मालकिन से तनख्वाह के बारे में बात करूंगी। अब तू ये सब चिंता छोड़ और खुशी खुशी स्कूल जा। पार्वती पीहू की चिंता तो दूर कर देती है, परंतु अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अपनी मालकिन से बात कैसे करे, क्योंकि पार्वती की मालकिन शीला एक नंबर की दुष्ट औरत थी। वो किसी का भी दुख दर्द नहीं समझती थी और गरीबों से तो वो नफरत करती थी। आ गई तू, आने का टाइम मिल गया तुझे, आज फिर तू 10 मिनट लेट आई है। ये तेरी आखिरी वार्निंग है पार्वती, अगर अब तू कभी भी 1 मिनट भी लेट हुई तो उसी दिन तुझे काम पर से निकाल दूंगी, समझी? माफ कर दीजिए मालकिन, वो पीहू को स्कूल के लिए तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया था। मुझे तेरे ये सब बहाने नहीं सुनने, समझी? अब जा जाकर झाड़ू पोछा कर, सुबह से घर गंदा पड़ा है। ठीक है मालकिन। पार्वती काम करने लग जाती है। पार्वती रसोई में काम कर रही होती है तभी अचानक से उसका हाथ रसोई के किनारे पर रखी एक कांच की प्लेट पर पड़ जाता है। क्योंकि वो प्लेट एकदम किनारे पर रखी थी इसलिए वो पार्वती का हाथ लगते ही गिरकर टूट जाती है। प्लेट गिरने की आवाज सुनकर शीला रसोई में आती है और टूटी हुई प्लेट देखकर आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, मेरी पूरी क्रॉकरी का सेट बेकार कर दिया। जानती भी है, ये क्रॉकरी का सेट मेरे पति फ्रांस से लेकर आए थे, लेकिन तुझ जैसी गवार को ये बात कहाँ पता होगी? और तेरी आंखें हैं या बटन, देखकर काम नहीं कर सकती है क्या तू? मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसी ने इस प्लेट का इस्तेमाल करके इसको रसोई के किनारे पर रख दिया था, इसलिए जब मैं काम कर रही थी तो मेरा हाथ लग गया और ये नीचे गिरकर टूट गया। एक तो गलती करती है, ऊपर से मानती भी नहीं है और दूसरों का नाम लगाती है। मुझे ऐसी नौकरानी अपने घर में नहीं चाहिए। अभी के अभी यहाँ से चली जा और अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। पार्वती शीला के आगे बहुत मिन्नतें करती है, परंतु शीला पार्वती की एक नहीं सुनती और उसके पिछले 2 महीनों की बकाया तनख्वाह देकर उसे काम से निकाल देती है। बेचारी पार्वती उदास होकर घर आ जाती है। क्या बात है मम्मी, आज आप जल्दी आ गई? कुछ नहीं बेटा, वो मेरी मालकिन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई है इसलिए मुझे जल्दी घर भेज दिया और कुछ दिनों के लिए मेरी छुट्टी है। अगर ऐसा है तो आप इतनी उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, अब हम दोनों कुछ समय साथ बिताएंगे। हाँ बेटा, पार्वती छुट्टी का बहाना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसकी बेटी को पता चले। पार्वती को जो तनख्वाह मिलती है उससे वो पीहू की सारी बकाया फीस भर देती है, जिसके बाद उसके पास केवल 100 रुपए ही बचते हैं। इसलिए पार्वती अब कोई दूसरा काम ढूंढने लग जाती है। हर जगह काम के लिए भटकती है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। और इसी बीच पीहू को भी पार्वती के काम से निकाले जाने के बारे में पता चल जाता है। कोई बात नहीं मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, आपको एक अच्छा काम जरूर मिल जाएगा।
और अगर आपको कोई काम मिल गया तो स्कूल के बाद मैं भी आपकी उस काम में मदद करा दूंगी। उसके कोई जरूरत नहीं है बेटा, तेरी माँ अभी सही सलामत है, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस जब तक काम नहीं मिलता तब तक थोड़ी परेशानी है, एक बार काम मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। काम की तलाश करते करते अब एक हफ्ता बीत जाता है, परंतु पार्वती को कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे करके घर का राशन खत्म होने लग जाता है, जिस वजह से पार्वती काफी चिंता में आ जाती है। हे भगवान, अब तो राशन भी खत्म होने वाला है और मेरे पास केवल ये 100 रुपए बचे हैं। अगर मुझे काम नहीं मिला तो ना जाने क्या होगा। पार्वती ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर पीहू आ जाती है। पार्वती को पीहू थोड़ी चिंता में लगती है, इसलिए वो पीहू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबी हुई है? माँ, मेरी सारी कॉपियाँ खत्म हो चुकी हैं और मुझे कुछ नई कॉपियों की जरूरत है। लेकिन मैं जानती हूँ घर के हालात ठीक नहीं है, पर अगर मैं कल नई कॉपियाँ लेकर नहीं गई तो मेरी टीचर मुझे बहुत मारेगी। पार्वती थोड़ा सोचती है और फिर अपने पास रखे हुए 100 रुपए पीहू को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, इससे अपनी कॉपियाँ ले आ। पर माँ, आप इन पैसों से तो घर का राशन लाने वाली थी ना? तो उसकी चिंता मत कर, मैं वो दुकान वाले काका से उधार ले आऊंगी, अभी के लिए तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। पीहू अपनी माँ की बात मान लेती है और उन पैसों को लेकर कॉपियाँ खरीदने चली जाती है। पीहू रास्ते में ही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। पीहू सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, पर उसके पास पैसे थे, लेकिन वो पैसे किसी और काम के लिए थे। पीहू को सोच में देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत पास से गुजर रही एक बहुत ही अमीर लड़की के पास जाती है। वो अमीर लड़की ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रखी थी। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? दूर रहो मुझसे, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए दूसरों से मांगने लग जाते हैं। पीहू से ये सब सुना नहीं जाता, इसलिए वो उस अमीर लड़की के पास जाती है और कहती है, आप अमीर लोग सच में बहुत ही निर्दयी होते हैं। अरे हम तो गरीब हैं, फिर भी हम अपने जैसे लोगों की मदद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतना पैसा होता है, इसके बावजूद भी आपके अंदर बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं होती। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया, वरना ये घमंड, ये छोटी सोच मेरे अंदर भी होती। वो लड़की मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं आपके लिए खाना खरीद देती हूँ। इसके बाद पीहू अपनी माँ के दिए हुए पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए खाना खरीद देती है। वो बूढ़ी औरत बहुत ही खुशी के साथ वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद कहती है, सच में बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए पैसे नहीं थे, इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। काश भगवान तुम जैसे लोगों को दुनिया के हर कोने में भेजे, ताकि मेरे जैसा कोई गरीब कभी भूखा ना रहे। कोई बात नहीं दादी जी, मेरी माँ ने सिखाया है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रुको बेटा। क्या हुआ दादी जी? तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत अपनी एक पुरानी सी पोटली में से एक हैंडबैग निकालती है और उसे पीहू को दे देती है। बेटा इसे रख लो। दादी जी, मैंने आपकी मदद किसी चीज के लिए नहीं की थी, मुझे ये नहीं चाहिए। बेटा इसे मेरी तरफ से अपने लिए उपहार समझ लो, तुमने मुझे दादी बुलाया है ना, ऐसा समझ लो कि ये हैंडबैग तुम्हारी दादी ने ही तुम्हें दिया है। दादी जी आप इतना प्यार से कह रही हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती। इस हैंडबैग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू उस हैंडबैग को लेकर घर आ जाती है और घर आकर पार्वती को सारी बात बताती है। बेटा तूने ये तो बहुत अच्छा किया, किसी भूखे को खाना खिलाया। किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है।
पता नहीं माँ, दादी जी ने मुझे ये हैंडबैग क्यों दिया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है जो मैं इस बैग में रख सकूं। पीहू इतना कहती ही है कि तभी उस हैंडबैग में से आवाज आती है, तुम्हें मेरे अंदर पैसे रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही तुम मेरे ऊपर की चेन को खोलोगी तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। मैं एक जादुई हैंडबैग हूँ और मेरी सहायता से तुम जितने चाहो उतने पैसे प्राप्त कर सकती हो। बस कभी पैसों का लालच मत करना। जब तक तुम मेरे द्वारा दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल करोगी मैं तुम लोगों के साथ बनी रहूंगी। उस जादुई हैंडबैग की ये बात सुनकर पार्वती और पीहू दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और वो उस हैंडबैग की चेन खोलकर देखते हैं तो सच में वहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। पार्वती और पीहू मिलकर उन पैसों से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं और टूटी फूटी झोपड़ी से एक अच्छे घर में आ जाते हैं और एक अच्छा जीवन जीने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो जादुई हैंडबैग से मिले पैसों से अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद करते हैं। पीहू को हमेशा से ही दूसरे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, इसलिए वो गरीब और भूखे लोगों के लिए अन्नपूर्णा नाम का एक आश्रम खुलवाती है जिसमें वो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त में खाना रखती है। और ऐसे ही पुण्य का काम करते हुए पार्वती और पीहू एक सुखमय जीवन जीने लग जाते हैं। प्यारी सी रागिनी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रागिनी की माँ उमा गांव के बड़े सेठ के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी, उसी से उन दोनों माँ बेटी का खर्चा चलता था। कभी कभी रागिनी भी अपनी माँ के साथ सेठ के घर चली जाती थी। सेठ जी के पास बहुत सारे जानवर थे लेकिन रागिनी को उनकी एक बछिया से बहुत लगाव था। वो अक्सर उस गाय के बच्चे से बात किया करती थी क्योंकि रागिनी को उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सेठ जी ने रागिनी को गाय के बच्चे से बात करते हुए देख लिया। वो तुरंत उमा के पास गया और बोला, अरे उमा, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती हो क्या? नहीं सेठ जी, हम गरीब लोग दो वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है, स्कूल कहाँ से जा पाएगी बेचारी। एक काम करो, तुम रोजाना शाम को रागिनी को मेरे घर भेज दिया करो। मैंने देखा है उसको जानवरों से बहुत लगाव है, रोज शाम को मेरे जानवरों को चरा देगी। बदले में मैं उसको महीने के 50 रुपए दे दिया करूँगा। बदले में तुम उन पैसों से अपनी बेटी को पढ़ा लेना। ये तो बहुत बढ़िया होगा सेठ जी, मैं कल से ही उसे आपके पास भेज दूंगी। अगले दिन शाम को रागिनी सेठ जी के यहाँ पहुँच गई और सभी गाय भैंस और बकरियों को लेकर जंगल में चराने चली गई। जंगल में रागिनी को और भी बहुत सारे चरवाहे मिलते थे जिनसे मिलकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता था। रागिनी को ये काम करने में बहुत मजा आने लगा। रागिनी अब गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। इसी तरह काफी साल बीत गए। अब रागिनी बड़ी हो चुकी थी, साथ ही साथ जिस बछिया से वो बात करती थी अब वो भी बड़ी हो गई थी। एक दिन जब रागिनी जानवरों को चरा रही थी तो उसने देखा कि उसकी मन पसंदीदा गाय लंगड़ा कर चल रही है। क्या हुआ गौ माता आपको? आप इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही है? आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? ऐसा कहते हुए रागिनी गौ माता पर हाथ फेरने लगी। उसने देखा कि गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने एक ठेले पर गौ माता को बिठा दिया और ठेले को खींचते हुए सेठ जी के घर ले गई। गाय को इस तरह लाते हुए देखकर सेठ जी रागिनी से बोले, अरे तुम गाय को ऐसे क्यों ला रही हो? क्या हुआ है गाय को? सेठ जी, ये तो चल ही नहीं पा रही थी, लगता है इसके पैरों में दर्द हो रहा है। ये गाय भी मेरे लिए आफत ही है, जब से इसको लिया है ना जाने कितनी बार बीमार हो चुकी है। सेठ जी ने गाय को अच्छे से देखा और बोलने लगे, अरे इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, लगता है मरने वाली है ये। इससे पहले कि ये सच में मर जाए इसे कसाई को बेच देता हूँ, कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। सेठ जी की ये बात रागिनी को बहुत बुरी लगती है। वो अपने मन में कहती है, गौ माता, सेठ जी तो तुम्हें कसाई के हाथ बेचना चाहते हैं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रागिनी चिंता में पड़ जाती है कि आखिर वो गौ माता को कैसे बचाए। इसी सोच में रागिनी घर की तरफ चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, वो गाय मेरे साथ बड़ी हुई है, जब वो बहुत छोटी थी तब मैं उससे मिली थी। आज जब वो बीमार हो गई है तो सेठ जी उसको कसाई के पास बेचना चाहते हैं। किसी तरह उस गाय को बचा लो माँ।
ये तो सेठ जी की बहुत गलत बात है। वो ऐसे कैसे किसी बेजुबान को कसाई के हाथों बेच सकते हैं? लेकिन बेटी, उस गाय को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और सेठ जी बिना पैसों के वो गाय हमें नहीं देने वाले। तो माँ, क्या हम उस गाय को नहीं बचा पाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हम पूरी कोशिश करेंगे। आज तुम सो जाओ, कल सुबह सुबह हम दोनों सेठ जी के पास चलेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। अपनी माँ की बात मानकर रागिनी सो जाती है। उसी रात उसके सपने में वही गाय आती है और कहती है, रागिनी मुझे बचा लो, मैं जीवन भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी, प्लीज रागिनी मुझे बचा लो। अगले दिन रागिनी अपनी माँ के साथ सबसे पहले सेठ जी के पास गई। उन्होंने देखा कि सेठ जी ने वहाँ पर कसाई को बुला रखा था। उमा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप ये गाय जो कसाई को बेच रही हैं, आप मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी रागिनी को इस गाय से बहुत लगाव है। अरे ये कसाई मुझे इस गाय की अच्छी खासी कीमत दे रहा है, तू मुझे इसके पैसे कहाँ से दे पाएगी? मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ सेठ जी, थोड़े थोड़े करके सारे पैसे दे दूंगी आपको। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा पैसे लगेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं और माँ दोनों मिलकर आपके पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस बीमार गाय से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? सेठ जी जब ये छोटी थी मैं तब इससे पहली बार मिली थी, ये मेरे साथ बड़ी हुई है और मैंने इसका दूध भी पिया है, इसलिए मुझे इस गाय से इतना लगाव हो चुका है, आप भगवान के लिए ये गाय हमें दे दीजिए। सेठ जी को रागिनी पर तरस आ जाता है और वो रागिनी को गाय देने के लिए मान जाते हैं। ठीक है ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे तुम दोनों को ही चुकाने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। गाय लेकर वो दोनों घर आ जाती हैं। घर आने पर रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ कल से ही इसके पैर में बहुत दर्द है। हाँ मेरी बच्ची, मैं इसके पैर पर सरसों के तेल से मालिश कर देती हूँ, जिससे कि इसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऐसा कहकर उमा गाय के पैरों में मालिश करती है। मालिश करने से गाय को सच में बहुत आराम मिलता है और वो सो जाती है। रागिनी उसके पास ही बैठी रही और उसको सहलाती रही। थोड़ी देर बाद जब उसके स्कूल का समय हो गया तब वो बोली, गौ माता अब तुम चारा खाकर आराम से घर में सो जाना, जब मैं स्कूल से आऊंगी तब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाना, स्कूल से आने के बाद हम दोनों खेलेंगे। ऐसा कहकर रागिनी स्कूल चली जाती है, लेकिन स्कूल में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब वो घर आई तो उसने देखा कि गाय के आगे रखा हुआ चारा वैसा का वैसा ही रखा था। माँ गाय ने चारा नहीं खाया क्या? लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, थोड़ी देर पहले वैद्य जी आए थे, उन्होंने इसको दवाई खिला दी है और कहा है कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उमा और रागिनी काफी समय तक गाय के पास ही बैठे रहे। उमा ने एक बार फिर गाय के पैरों में मालिश कर दी। देखते देखते वो दिन भी बीत गया। रात को रागिनी अपनी माँ के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी और गाय आंगन में बंधी थी। अचानक से रागिनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है, कौन है बाहर? माँ देखो तो जरा, मुझे लग रहा है कोई बाहर है। रागिनी की आवाज सुनकर उमा भी उठ गई। दोनों भाग कर आंगन में आती हैं। वो देखती हैं कि कसाई उनकी दीवार फांद कर भाग रहा था। माँ ये कसाई यहाँ क्यों आया था? शायद हमारी गाय चुराने आया होगा। माँ मुझे लगता है हमें गाय को भी अपने साथ अंदर सुला लेना चाहिए। दोनों माँ बेटी गाय को घर के अंदर ले जाती हैं और दरवाजा बंद करके वो तीनों घर के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही गाय ने सारा चारा खा लिया और पूरे आंगन में घूमने लगी। माँ लगता है अब हमारी गाय पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। हाँ मेरी बच्ची, अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। माँ क्या मैं इसे बाहर से घुमा लाऊं? नहीं बेटी, इसको आंगन में ही रहने दो, अगर बाहर जाएगी तो क्या पता कसाई तुमसे छीन ले। तुम जाकर सेठ जी के जानवर चरा लाओ, मैं भी काम पर चली जाती हूँ। रागिनी और उमा अपने अपने काम पर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों वापस घर आती हैं, तो उनकी गाय के आगे 10 सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर रागिनी हैरान हो जाती है। माँ ये देखो, हमारी गाय के पास 10 सोने के सिक्के पड़े हैं। क्या सच में? उमा ने गाय के पास जाकर देखा तो वहाँ सच में 10 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे वाह गौ माता, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम दोनों बहुत अच्छी हो। अगर तुम दोनों सेठ जी के यहाँ से लाकर मेरी सेवा ना करते तो आज वो मुझे कसाई के हाथों बेच देते, और कसाई ना जाने मेरा क्या करता।
इसलिए अब से रोज तुम्हें इतने ही सिक्के मिलेंगे, लेकिन इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। पहले तो गाय को बोलते हुए देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह गए, लेकिन फिर बाद में उन्हें बहुत खुशी हुई। रोजाना सोने के सिक्के मिलने के कारण धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधर गई। सिक्के बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। रागिनी की माँ ने सेठ जी को भी गाय के सारे पैसे दे दिए। तुम लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जो तुमने सूद समेत मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दिए? सेठ जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमने कुछ पैसे बचा लिए थे। सेठ जी को उमा की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो उन पर नजर रखेगा। कई दिनों तक ताक झांक करने के बाद जादुई गाय के बारे में उसे पता चल ही जाता है। उसी रात सेठ रागिनी के घर के अंदर जाकर छुप जाता है। खाना खाकर रागिनी और उसकी माँ सो जाते हैं। उनके सो जाने के बाद सेठ गाय को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, गांव का सेठ रागिनी के गाय चुरा कर ले जा रहा है। गाय को बोलते हुए देखकर गांव का सेठ घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी और उमा सहित वहां पर गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। गांव वालों, ये सेठ मेरी गाय चुराने की कोशिश कर रहा था, इतना अमीर होने के बावजूद ये चोरी करता है, इसको छोड़ना मत। सभी गांव वाले सेठ की खूब पिटाई करते हैं। गांव वालों से अपनी जान बचाकर सेठ भाग जाता है। उस दिन के बाद से उमा और रागिनी अपनी जादुई गाय के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।